हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम, मैकियोलिस मेथड का प्रॉब्लम है। और हमारा प्रॉब्लम की जो सीरीज चालू है उसमें प्रॉब्लम नंबर ये कितना है, 6 है ना। प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं आज हम लोग, है ना। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में मैंने बताया था आपको कि आज हम लोग अलग टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें क्या था, एक तो यूनियल फोर्स था, नहीं तो पॉइंट लोड था, है ना। अभी यहाँ पे फोर्स आपको दिख रहा है, फिक्स एंड मोमेंट है ना, सी पॉइंट पे फिक्स एंड मोमेंट है, प्लस यहाँ पे आगे वाले पॉइंट पे पॉइंट लोड है ना, तो कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे तो रोलर सपोर्ट है अपना, इधर भी रोलर सपोर्ट है ना। रोलर सपोर्ट का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि रोलर या हिंज सपोर्ट जब भी होता है तो उसका इफेक्ट कब होता है कि जब ऊपर वाला जो फोर्स है, जो बीम पे जो फोर्स आने वाला है, वो अगर इंक्लाइन रहेगा कोई फोर्स, है ना, कोई भी फोर्स इंक्लाइन रहेगा या यूडीएल इंक्लाइन रहेगा, है ना, तब ही इस पे इफेक्ट गिरता है रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट पे। यूवीएल रहेगा तभी भी कोई फर्क नहीं गिरेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे वर्टिकल पॉइंट लोड है और फिक्स्ड मोमेंट है, तो ये जो सपोर्ट्स है, ये जो रोलर सपोर्ट्स है, इसका कोई इफेक्ट गिरने वाला नहीं है ना। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या बोला है हम लोग को, प्रॉब्लम में हम लोग को ईआर कांस्टेंट दिया है। मतलब प्रॉब्लम में क्या सेंटेंस दिया है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो, फ्लेक्चरल रिजिडिटी जो है वो बीम का कैसा है, कॉन्स्टेंट है बोला उसने। फ्लेक्चरल रिजिडिटी मतलब क्या होता है, ईआर कॉन्स्टेंट है ना। और हम लोग को क्या बोला है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अंडर पॉइंट लोड। अंडर पॉइंट लोड मतलब एट पॉइंट डी, है ना। एट पॉइंट डी पे हमको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है, मतलब थीटा डी निकालना है, वाई डी की वैल्यू निकालना है ना। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि रोलर सपोर्ट का कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, तो सिंपल इसको मैं हटा देता हूँ। इसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं ना, तो इसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा, यहाँ पे आ गया आर ए, और ये रोलर को यहां से हटा दो, यहाँ पे आ गया आर बी, दैट इज रिएक्शन एट बी। सिंपल वाला प्रॉब्लम है हमारा, आर ए आर बी है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। ओके, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सब में पहले क्या करना है हमको, आर ए आर बी की वैल्यू निकालना है। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू जीरो है। अभी देखो तो क्या होता है, क्या कंसिडरेशन है हमारा, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, नेगेटिव है, है ना। तो अब ए पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं हम लोग, ये पॉइंट ए है हमारा, है ना। तो ए पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं तो आर ए तो पॉइंट में से पास हो रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे पहले आएगा हमारा ये वाला, ये फिक्स्ड मोमेंट को ले लेते हैं। फिक्स्ड मोमेंट कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं प्लस 150। जैसे कि आपको पता होगा ये फिक्स्ड मोमेंट है, ये मोमेंट है मतलब इसका डिस्टेंस इसमें ऑलरेडी होता है। जैसे आप इसका यूनिट देखोगे क्या है, किलो न्यूटन मीटर है, किलो न्यूटन मीटर मतलब डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग फिक्स्ड मोमेंट का मोमेंट लेते हैं तो यहाँ पे इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, तो इसको सिर्फ 150 लिखना है। अब ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताया ना यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज बताया इसके लिए प्लस ले रहे हैं, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो माइनस ले देते। ओके, अब इसका डिस्टेंस यहाँ से इंटू 4 करने की जरूरत नहीं है। ओके, बार बार मैं बता रहा हूँ ये फिक्स्ड मोमेंट है, सिर्फ इसका वैल्यू लिखना है बस, नो डिस्टेंस। ओके, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है इसके लिए मैं इसको पॉजिटिव ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज रहता था यहाँ पे तो नेगेटिव लेता था। ओके, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला फोर्स कौन सा है हमारा, 50 किलोन्यूटन है ना। 50 किलोन्यूटन का फोर्स कैसे घूम रहा है, देखो मेरे हाथ को देखो, ये ए पॉइंट है हमारा, कैसे घूम रहा है ए पॉइंट की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। घड़ी का कांटा जैसा घूमता है उसके उस तरह से घूम रहा है ना, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, घड़ी के कांटे जैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 50 इनटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, ये 4 है प्लस 2 कितना हो गया, 6 है ना। तो 50 इनटू 6 है ना। देखो ये पॉइंट लोड है, इसके लिए इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ये फिक्स्ड मोमेंट था, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, उसके बाद आर बी भी हमारा रिएक्शन है ना, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, देखो ए पॉइंट की तरफ कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है हमारा, माइनस होता है, नेगेटिव होता है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस आरबी इनटू, अब आरबी का डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट से, देखो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 8 है ना। तो आरबी इनटू 8 इज इक्वल्स टू 0 है ना।
तो अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, आरबी मिल जाएगा, आरबी की वैल्यू मिल जाएगी, ये माइनस आरबी इंटू एट उधर जाए तो प्लस हो जाएगा, और एट इसको डिवाइडेशन में लेके आते हो, है ना। तो यहां से हमको आरबी का वैल्यू मिल जाएगा, क्या हो जाएगा आरबी 150 प्लस 50 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8, है ना। तो यहां से हमको आरबी का वैल्यू मिलेगा, देखते हैं कितना आ गया आरबी। यहां पे आरबी का वैल्यू मिल गया है हमको 56.25, है ना। कितना मिला है 56.25 किलो न्यूटन, है ना, 56.25 किलो न्यूटन है। ओके, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, आरए का वैल्यू निकाल लेते हैं। आरए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, वर्टिकल फोर्सेस जीरो, है ना, एडिशन उनका। कंसिडरेशन क्या है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव है और डाउनवर्ड फोर्सेस क्या है, नेगेटिव। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है वापस क्या है, देखो ये मोमेंट है ना, तो यहां पे एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब सिर्फ हम लोग फोर्सेस का एडिशन कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्सेस पॉजिटिव ले रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव ले रहे हैं और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव ले रहे हैं। लेकिन ये वाला जो है हमारा 150, ये मोमेंट है, तो मोमेंट इसमें आएगा क्या, मोमेंट इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। मोमेंट ये 150 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ क्या आएगा, इसमें सिर्फ आएगा देखो आर ए प्लस आरबी, क्यों, आर ए और आरबी दोनों अपवर्ड है, 50 किलोन्यूटन कैसा है, डाउनवर्ड है ना, तो 50 किलोन्यूटन डाउनवर्ड है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 50, है ना, माइनस 50 आ जाएगा, है ना, तो माइनस 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, यहां से अपने को आरए की वैल्यू मिल जाएगी। देखो आरबी, आरबी का वैल्यू कितना है, आरबी का वैल्यू 56.25 आ गया, तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 50 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 50, और ये आरबी उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 56.25, है ना। तो यहां से आरए का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, आरए माइनस में मिल जाएगा, है ना, आरए का वैल्यू कितना आ गया माइनस 6.25, है ना, माइनस 6.25 किलोमीटर। देखो अभी माइनस आ गया आंसर, माइनस आ गया तो घबराने की जरूरत है, बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते माइनस आया मतलब क्या रॉन्ग हो रहा है हमारा, नहीं नहीं रॉन्ग कुछ नहीं हो रहा है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है वो कैसा है, डाउनवर्ड है। यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडरेशन यूज किया ना, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि आर ए क्या है, आर ए है डाउनवर्ड, अपवर्ड है क्या वो, नहीं, आगे ऐसा डायरेक्शन बता दो या फिर डाउनवर्ड लिख दो 6.25, है ना। तो आर ए एक्चुअली ऊपर नहीं जा रहा है, आर ए किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो आर ए शुड बी डाउनवर्ड, आर ए नीचे के साइड में आ रहा है ऐसे ना, यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे आर ए की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग 6.25 किलो न्यूटन, और आरबी का वैल्यू कितना आ गया, आरबी का वैल्यू आया है 56.25, तो आर ए आरबी मिल गया हम लोग को। अभी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अभी एम एक्स निकालना है। पहले हम लोग स्लोप ऑफ कर्व की, डिफ्लेक्शन ऑफ स्लोप ऑफ कर्व की इक्वेशन लिख देते, क्या इक्वेशन हमारा, इक्वेशन है हमारा E इंटू आई इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एम एक्स, है ना। अभी एम एक्स क्या होता है, एम एक्स मतलब एक पॉइंट है एक्स जो हम लोग लेंगे, यहाँ पे सेक्शन लेंगे, उस सेक्शन से जो भी फोर्सेस का, ये फोर्सेस का मोमेंट हम लोग लेंगे उसको बोलते हैं एम एक्स, है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्सेस एट पॉइंट एक्स, अभी एक्स पॉइंट कहां पे लेना है, सब में इंपॉर्टेंट, एक्स पॉइंट कहां पे लेना है, एक्स पॉइंट ऑलवेज क्या करना है, पॉइंट लोड के आगे लेना है, फिक्सेंड मोमेंट और पॉइंट लोड जो भी रहेंगे आपके बीम में उसके आगे लेना है। यहाँ पे हमारा फिक्सेंड है और यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड है, तो इसके आगे यहाँ पे अपने को पॉइंट एक्स लेना है ना, ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स है और ये है पॉइंट हमारा x, है ना, और A पॉइंट से सेक्शन तक का जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा हमारा, दिस डिस्टेंस विल बी x, ये डिस्टेंस हमारा x रहेगा, है ना, यहां से यहां तक का, A पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस x है और ये पॉइंट भी x है, है ना। अब ये x पॉइंट से हमको मोमेंट लेना है, लेफ्ट के फोर्सेस देखना है, मोमेंट लेना है, इसको बोलेंगे हम लोग mx, है ना। तो अभी mx का हम लोग इक्वेशन लिख देंगे यहां पे, देखो एम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ई इंटू आई
डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो सब में पहले यहां पे x से इधर का ये आर ए कैसा जा रहा है, आर ए कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन आर ए हम लोगों ने अपवर्ड कंसिडर किए थे, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या आ गया, आर ए डाउनवर्ड बताया है ना, तो हमारा आंसर आने के बाद हमको पता चला कि आंसर माइनस में आया, इसका मीनिंग क्या है कि आर ए डाउनवर्ड है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, देखो एक तो क्या करना है आपको, एक क्या करना है कि आर ए को डाउनवर्ड कर दो, आर ए का जो डायरेक्शन है इसको डाउनवर्ड बता दो, जैसे हम लोगों ने अपवर्ड बताया ना रिएक्शन, तो इसको डाउनवर्ड बताओ है ना, और डाउनवर्ड के हिसाब से लो इसको, इसको डाउनवर्ड दो, कैसे घूम रहा है अभी ये इसके तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो अभी ये इसके तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ये एक ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आर ए को एज इट इज रखो, ऐसे ही रखो अपवर्ड है ना, इसको अपवर्ड ही रखो, सिर्फ इसका जो वैल्यू है उसको माइनस में ले लो है ना, इसके वैल्यू को क्या करना है माइनस में ले लेना है ना, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर लो आंसर वही आने वाला है ना, ऐसे ये माइनस हो गया, वैल्यू माइनस थी तो माइनस हो गया, और ये क्लॉकवाइज होने की वजह से प्लस साइन आएगा, लेकिन अगर नीचे लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऑटोमेटिकली माइनस साइन आ गया, तो यहाँ का माइनस लेने की जरूरत नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको आर ए को एज इट इज रखता हूँ, अपवर्ड ही रखता हूँ, सिर्फ इसका जो वैल्यू है उसको मैं माइनस पुट करूंगा। ओके तो अभी देखो सब में पहले मोमेंट एट एक्स ले रहे हैं हम लोग, एक्स पे मोमेंट ले रहे हैं, तो एक्स से पहला वाला फोर्स हमारा ये आ रहे है, कैसे घूम रहा है आ रहे, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, अपवर्ड मैंने कंसीडर किया इसको, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, प्लस लेते हैं ना, तो अभी देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्लस आर ए, आर ए का वैल्यू लिख देता हूं मैं, कितना है -6.25। देखो आर ए अभी मैंने अपवर्ड कंसिडर किया, क्लॉकवाइज घूम रहा है, मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, लेकिन आर ए का जो वैल्यू आया है वो माइनस में है, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया है ना, तो -6.25 इंटू डिस्टेंस कितना है इसके यहां से एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, ओके इंटू एक्स आ गया। ओके उसके बाद देखो एक्स पॉइंट से, अभी एक्स पॉइंट से ये देखो, ये जो हमारा 150 ग्राम का फिक्स्ड मोमेंट है, अब फिक्स्ड मोमेंट कैसे घूम रहा है ये इसके पॉइंट पे कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है पॉजिटिव होता है ना, तो प्लस 150, जैसे कि मैंने बताया मोमेंट में हमारा जो फिक्स्ड मोमेंट होता है उसका डिस्टेंस से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन क्योंकि हम लोग ये जो इक्वेशन है हमारी कर्व की है इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप की इक्वेशन मिलेगी, वापस इंटीग्रेट करेंगे तो वाई मतलब डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मिलेगी, तो वहां पे हमको डिस्टेंस होना जरूरी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसका डिस्टेंस लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे मैं तुमको बता दूं, देखो अभी सब में पहले ये इधर ध्यान दो, देखो एक्स से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमको निकालना है, ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस पता है क्या हमको, नहीं पता है हमको, क्या पता है ये टोटल, ये एक्स पॉइंट से ए पॉइंट तक का ये टोटल डिस्टेंस एक्स है, तो इसमें से ये सी से ए पॉइंट का एसी डिस्टेंस, एसी कितना है 4 है, अगर ये एक्स में से ये एसी ये 4 डिस्टेंस में माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, सी से एक्स का डिस्टेंस मिल जाएगा बराबर, तो सी से एक्स का डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल एक्स में से एसी यानी एक्स में से 4 माइनस करूंगा तो ये सी एस ये डिस्टेंस मिल जाएगा ना, तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, इट इज एक्स माइनस 4 है ना, अब एक्स माइनस 4 है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मोमेंट रहेगा तो उसका डिस्टेंस हम लोग नहीं लेते, फिक्स्ड मोमेंट को डिस्टेंस लेते क्या, नहीं लेते है ना, लेकिन ये इक्वेशन हमको कंप्लीट करना है इसलिए हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे लिख रहे हैं, तो अभी इसको मैं क्या कर दूंगा रेस टू जीरो लिखूंगा, क्या लिखूंगा रेस टू जीरो, कोई भी वैल्यू कितनी भी बड़ी होने दो वैल्यू, अगर उसके रेज में जीरो है तो उसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा है ना, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो ये 150 एज इट इज रहेगा है ना, तो ये 150 क्या रहेगा एज इट इज रहेगा, ये 150 यहां से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसका आंसर सिर्फ 1 ही आएगा। ओके तो अभी ये x माइनस 4 रेस टू मैं 0 लिख दिया यहाँ पे, अब देखो x माइनस रेस 4 टू 0 लिख दिया, अभी समझ में आ गया कि क्या चेंजेस हो रहा है, देखो जब भी फिक्स्ड मोमेंट आ रहा है तो आर ए आर भी निकालते टाइम में यहाँ पे सिर्फ 150 का 150 लेना है, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई नहीं करना, उसके बाद mx की इक्वेशन जब आएगी तो mx की इक्वेशन में 150 का डिस्टेंस लेना है ना, एक्स का डिस्टेंस लेना है, लेकिन उसके रेस टू में क्या लिख देना है 0 लिख देना है, क्योंकि ये फिक्स्ड मोमेंट है, ये दो चीजें याद रखना पक्का है ना। अब देखो उसके बाद कौन सा बचा हमारा 50 किलोन्यूटन का लोड बचा, ये कैसे घूम रहा है एक्स पॉइंट की तरफ, देखो कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज है ना, ये कैसे घूम रहा है, ये एक्स पॉइंट की तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी ये एक्स पॉइंट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब क्या आएगा माइनस, तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस 50 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है एक्स से, ये डिस्टेंस चाहिए अपने को, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल है हमारा एक्स
अब x में से ये a टू d डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैं माइनस कर दूंगा, ये डिस्टेंस कितना है 6 है, तो ये टोटल x है ना, तो x में से ये 6 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे है ना, तो टोटल x में से ये 6 को माइनस कर दो तो यहां पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा x माइनस 6। ओके तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, दिस इज द mx, mx वाली इक्वेशन मिल गई। ये सब में इंपॉर्टेंट रहता है, ये एक बार आपका बराबर आ गया तो बाकी का सब बराबर ही होगा। ओके तो समझ में आ गया, अभी अभी इसको आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करते समय पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, क्या करना है इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से इसको इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा e इंटू आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा डी वाई बाय डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है थीटा, स्लोप, स्लोप का इक्वेशन मिल रहा है अपने को, थीटा होता है डी वाई बाई डी एक्स है ना, इज इक्वल टू देखो -6.25 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद प्लस 150 है ना, 150 का 150 कांस्टेंट है वो साइड में रह जाएगा, x माइनस 4 रेस टू 0 है ना, अब रेस टू 0 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेस टू 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है x रेस टू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, मतलब x रेस टू 1 आ जाएगा, मतलब x माइनस 4 रेस टू क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 है ना, अब कोई भी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा, और रेस टू में 1 लिखो या मत लिखो कुछ फर्क पड़ता है क्या, अगर कोई भी वैल्यू के रेस में अगर 1 रहेगा तो उसका मीनिंग क्या है कि उसका आंसर वही आएगा, उस वैल्यू वही वैल्यू आएगी है ना, तो 150 x माइनस 4 है ना, उसके बाद देखो माइनस 50 इंटू, अभी देखो x माइनस 6 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये ध्यान से देखो, देखो 150 इंटू एक्स माइनस 4 रेस टू 0 था तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x माइनस 4 रेस टू 1 अपॉन 1 है ना, 0 के आगे कौन सी वैल्यू आती है 1 आती है, अब यहाँ पे x माइनस 6 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब क्या रहता है रेस टू 1 रहता है ना, कोई भी चीज के ऊपर कुछ नहीं है मतलब रेस टू 1 रहता है ना, तो उसका क्या आएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर बाय 2, और अगर x माइनस 6 स्क्वायर रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा क्यूब बाय 3 है ना, तो एक एक डिजिट आगे बढ़ता है। ओके तो अब देखो ये वाला इक्वेशन मिल गया हम लोग को, अब यहाँ पे और एक क्या मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है कांस्टेंट, कांस्टेंट हमको ऐड करना है, कांस्टेंट कहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, ये फर्स्ट इक्वेशन के बाद यहाँ पे प्लस सी वन प्लस सी वन आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट प्लस सी वन हमारे यहाँ पे ऐड हो गया, एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है ना, तो अभी हम लोग वापस इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो हमको इक्वेशन मिल जाएगी ई आई टू डी वाई बाई डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा y is equals to, देखो यहां पे क्या है -6.25, ये 2 को इधर ले लो डिवाइडेड बाय 2, x square का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x cube upon 3, प्लस ये c1 है, c1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा c1x प्लस दूसरा वाला कांस्टेंट ऐड हो जाएगा c2 है ना, यहां पे c2 ऐड हो गया प्लस उसके बाद देखो ये 150 है हमारा 150 as it is, x माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है ना, उसके बाद देखो माइनस ये 50 बाय 2 एज इट इज लिख दो 50 अपॉन 2, x माइनस 6 का स्क्वायर है, x माइनस 6 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस 6 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 है ना, x माइनस 6 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा हमारा इक्वेशन, ओके तो x माइनस 6 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 है ना, अब ये हमको डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिला, इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपरली लिख देता हूं, देखो e इंटू आई अपॉन y इज इक्वल टू 2 3 6 तो क्या आ जाएगा माइनस 6.25 अपॉन 6 एक्स क्यूब प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू प्लस देखो 150 बाय 2
एक्स माइनस फोर स्क्वायर माइनस, देखो 50, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 अगेन है ना, तो क्या आ जाएगा 50 अपॉन 6 इंटू एक्स माइनस 6 का क्यूब। ओके तो ये आ गया हमारा पूरा इक्वेशन, मिल गया हम लोग को वाई का, ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है और ये स्लोप का इक्वेशन है। सिर्फ इसमें कमी क्या है, स्लोप के इक्वेशन में C1 ये कांस्टेंट है और डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में C1 और C2 ये दो कांस्टेंट है, तो C1 C2 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। उसके बाद ये C1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्लोप, कंप्लीट इक्वेशन ऑफ स्लोप। ओके तो ये इक्वेशन पुट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन यूज करना पड़ेगा। बाउंड्री कंडीशन क्या है, ये हमारा बीम है, बीम की बाउंड्रीज क्या होती है, इनके सपोर्ट्स ए, यहाँ पे लेफ्ट का बाउंड्री ए है और राइट का बाउंड्री बी है, तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। उसके लिए मैं ये वाला इक्वेशन रफ कर देता हूं। तो अभी सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन यूज करना है, पहली वाली बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे ए पॉइंट की, तो एट पॉइंट ए, देखो एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे देखो, पॉइंट ए पे एक्स जीरो और वाई जीरो रहेगा, क्यों रहेगा, देखो वाई मतलब क्या, वाई मतलब डिफ्लेक्शन है, जैसे मैंने बताया डिफ्लेक्शन ए और बी दोनों पॉइंट पे, सपोर्ट पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंगिंग बीम में ए और बी दोनों पॉइंट पे सपोर्ट पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है ऑलवेज, तो ए पॉइंट पे वाई की वैल्यू जीरो रहेगी। और एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब कोई भी पॉइंट की वैल्यू ए से, अगर मैं बोलूंगा सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है तो ए टू सी का डिस्टेंस 4 है ना, अगर मैं बोलूंगा डी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है तो डी पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस 6 है ना, ये एक्स है, तो ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू रहेगी ए पॉइंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस, दैट इज 0, ए पॉइंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहेगा 0 है ना, तो इसके लिए एक्स 0 वाई 0। अब ये हमको पुट करना है, कहां पुट करना है, ये वाली इक्वेशन में, डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन है ना, और क्योंकि हम लोग ए पॉइंट को देख रहे हैं तो ए पॉइंट पे सिर्फ ये वाला आर ए का ही इक्वेशन आएगा, आर ए क्या है हमारा 6.25 का, ये ही इक्वेशन आएगा ना, और ये कांस्टेंट ऐड हो गया, मतलब सिर्फ इतना इक्वेशन लेना है हमें, कितना लेना है, इतना ही इक्वेशन लेना है ए पॉइंट पे है ना, और यहाँ पे क्या करना है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो पुट करना है, तो चलो मैं पुट कर देता हूं। आप लोग को क्या करना है, पहले इतना इक्वेशन लिखना है, ये इतना इक्वेशन पहले लिखना है, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना है, मैं अभी डायरेक्ट पुट करूं, लेकिन तुम लोग को ये पूरा इक्वेशन लिखना है, फिर उसमें ये वैल्यू पुटअप करना है, दो स्टेप में कर दो, तो ई आई इंटू वाई की वैल्यू जीरो है, यहां पे पुट कर दिया मैंने, उसके बाद देखो माइनस 6.25 अपॉन 6 इंटू एक्स क्यूब मतलब जीरो का क्यूब, ये भी जीरो आएगा, प्लस C1 इंटू जीरो प्लस C2 है ना, ये सब टर्म जीरो हो जाएंगे, तो C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो, C2 का वैल्यू हमेशा जीरो आएगा भैया, कब आएगा, हमेशा जीरो आएगा, हर एक प्रॉब्लम में जीरो आएगा, जो भी सिंपली सपोर्टेड और अपने कंटिन्यूस बीम के प्रॉब्लम रहेगा C2 का वैल्यू जीरो ही आएगा, और C1 का वैल्यू हमेशा माइनस में ही आएगा। अब C1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन, दैट इज एट पॉइंट बी है ना, अब पॉइंट बी पे देखेंगे हम लोग, देखो C2 का वैल्यू जीरो आ गया, समझ में आ गया ये, इसको मैं रफ करने वाला हूं। ओके तो अभी ये जीरो आ गया, इसको हम रफ कर देते हैं, अब एट पॉइंट बी देखते हैं हम लोग है ना, एट पॉइंट बी देखते हैं कि बी पॉइंट पे क्या बाउंड्री कंडीशन है, देखो एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, वाई की वैल्यू तो जीरो रहेगी, जैसे मैंने बताया ए और बी सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है, मतलब वाई की वैल्यू जीरो रहेगी। अब B पॉइंट पे x क्या रहेगा, A पॉइंट से B पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर है ना, तो x की वैल्यू रहेगी 8 मीटर और y की वैल्यू रहेगी 0 है ना, तो ये वैल्यू कहां पे पुट करना है हमको, ये वाली डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में। अब देखो B पॉइंट क्यों के कॉर्नर पे, तो A से B तक पूरे फोर्सेस है, मतलब पूरा का पूरा इक्वेशन आएगा, कितना इक्वेशन आएगा, ये पूरा होल इक्वेशन आएगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन लिखना है, ये फुल इक्वेशन में हमको वैल्यू पुट अप करना है। सब में पहले क्या करना है तुमको, ये पूरा इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे लिख दो, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें वैल्यू पुट करना, मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करूँ क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है ना, तो पूरा इक्वेशन लिखते बैठेंगे दो तीन स्टेप में,
हमारा बोर्ड फिल हो जाता है ना। तो इसके लिए ये इक्वेशन, ये पूरा सारा का सारा इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप में x और y के वैल्यू उसमें पुट करना है। ओके, तो मैं अभी डायरेक्टली वैल्यू पुट करने वाला हूं। देखो e इंटू आई इंटू y, y की वैल्यू क्या है, जीरो है, इज इक्वल टू, देखो अभी क्या आएगा, माइनस 6.25 अपॉन 6 इंटू एक्स क्यूब है। देखो एक्स क्यूब है मतलब कितना है, 8 का क्यूब, 8 क्यूब है ना। उसके बाद देखो प्लस c1x है यहां पे, तो एज इट इज लिख दो प्लस c1x प्लस c2 है, c2 जीरो है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, है ना। तो उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्या आने वाला है, 150/2 एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। तो देखो एक्स माइनस 4, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 8, 8 माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर आ गया, माइनस यहां पे अभी नीचे लिख देते इक्वेशन, माइनस 50/6 एक्स माइनस 6 होल क्यूब, एक्स कितना है हमारा 8, तो 8 माइनस 6 होल क्यूब। ओके, तो यहां तक अपने को इक्वेशन अभी पूरा मिल गया, सब वैल्यू पुटअप कर दिए हम लोगों ने। अब क्या करना है, अब इसका कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है, ये तो भाई पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, है ना, ये जीरो हो गया। अभी ये वाला बिट पहले कैलकुलेट करो, फिर ये वाला बिट कैलकुलेट करो, फिर ये वाला बिट कैलकुलेट करो, है ना। और ये इधर का टर्म जीरो है, मतलब इज इक्वल्स टू जीरो डालना है। ये तीनों बिट को कैलकुलेट करो, शिफ्ट सॉल्व में डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप करो, है ना। क्या करना है, शिफ्ट सॉल्व में डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करना है, तो C1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, और C1 का वैल्यू क्या आने वाला है, माइनस में आने वाला है ना। तो C1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखो C1 का वैल्यू क्या आया, देखते हैं हम लोग, C1 का वैल्यू होगा -508.33, है ना। तो C1 का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया -508.33। ओके, ये मिल गया हमको C1 का वैल्यू, और C1 का वैल्यू कैसा है, माइनस में, -508.33। देखो कभी कभी ये वैल्यूज गलत भी होते हैं, बुक्स में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, है ना। तो कभी कभी ये वैल्यूज गलत भी हो सकते हैं, तो आप लोग को खुद से कैलकुलेट करना है ना। अगर आपको कुछ वैल्यूज अलग दिख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ, तो उसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। ओके, देखो सब में इंपॉर्टेंट है मेथड पता होना जरूरी है। तो अभी C1 का वैल्यू मिल गया हमको, C2 का वैल्यू मिल गया, मतलब अभी हमारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग को देखना है कि हमको निकालना क्या है, हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है स्लोप एट पॉइंट डी और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन के वैल्यूज निकालने हैं, है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले स्लोप निकाल लेते हैं एट पॉइंट डी, तो थीटा डी निकालेंगे। अभी थीटा डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सारा का सारा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डी पॉइंट पे सिर्फ लास्ट वाला 50 वाला ये वाला इक्वेशन नहीं आएगा, है ना। ये स्लोप का इक्वेशन है ना हमारा, ये वाला देखो, ये वाला स्लोप का इक्वेशन है, है ना। तो यहां पे देखो एट पॉइंट डी, अगर डी पॉइंट पे हम लोग कंसिडर करेंगे तो डी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, डी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 है ना। तो अगर स्लोप मुझे डी पॉइंट पे निकालना है तो डी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 6 है ना, तो एक्स की वैल्यू 6 मुझे पुट करना है ये वाली इक्वेशन में, स्लोप वाली इक्वेशन में। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ये dy/dx की वैल्यू मिलेगी, dy/dx मतलब क्या होता है, थीटा होता है, स्लोप होता है। ओके, तो अभी हम लोग वही करने वाले, तो सब में पहले हम लोग यहां पे लिख देते, क्या लिख देते, टू फाइंड थीटा और वी कैन से स्लोप एट पॉइंट डी। देखो क्या लिखना है, टू फाइंड थीटा डी और dy/dx एट पॉइंट डी, पुट x इज इक्वल टू 6 मीटर, है ना। ये क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 6 मीटर इन इक्वेशन ऑफ स्लोप, या फिर इक्वेशन को नाम दे दो, इक्वेशन का नंबर लिख दो उधर, है ना।
x इक्वल टू 6 मीटर ये वैल्यू हमको पुट करना है ये हमारी स्लोप वाली इक्वेशन में। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप वाली सारी की सारी इक्वेशन यहाँ पे लिखना है पूरी, सी वन की वैल्यू डालकर उसमें ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिखना है, उसके बाद उसमें वैल्यू पुटअप करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप नहीं करना है। ओके तो यहाँ पे मैं देखो इक्वेशन लिख देता हूँ पहले, मैं भी अभी यहाँ पे एक स्टेप हम लोग बढ़ा लेते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते ई आई डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एड डी या फिर थीटा डी डायरेक्ट लिख दो चलेगा। इक्वेशन लिख देते पहले माइनस क्या आ गया 6.25 डिवाइडेड बाय ये 2 को इधर ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर ओके प्लस सी वन। अभी प्लस सी वन लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे सी वन की वैल्यू लिख देंगे, सी वन की वैल्यू माइनस में आ गई तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ गया सी वन का वैल्यू, सी वन का वैल्यू आ गया था 508.33 ना, माइनस क्या आ गया था 508.33 है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये प्लस, प्लस क्या आ गया 150 इंटू एक्स माइनस 4। उसके बाद क्या है माइनस, देखो माइनस 50 बाय 2 एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर। लेकिन देखो डी पॉइंट पे ये जो 50 किलो का लोड है इसका ये इक्वेशन है 50 बाय 2 एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर। ये अगर ये इक्वेशन लिखने की यहां पे जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमको पता है एक्स की वैल्यू हम लोग 6 पुट करने वाले, तो 50 ये x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और वैसे भी टेक्निकली अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये जो पॉइंट लोड है वो d पे है और हम लोग को d तक का निकालने का, तो d के ऊपर का पॉइंट लोड हमको लेना है क्या, नहीं लेना है ना। तो d तक की ही इक्वेशन लेना है। तो यहाँ पे यहां तक ही इक्वेशन आएगी, ये नीचे वाला आएगा क्या टर्म नहीं आएगा है ना। तो अभी इसको मैं नीचे वाले टर्म को रफ कर देता हूं। अभी यहां पे अपने को क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। देखो क्या हो जाएगा e इंटू आई, अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं थीटा डी इज इक्वल्स टू वैल्यू पुटअप कर दो माइनस 6.25 अपॉन 2 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 508.33 प्लस 156 माइनस 4। ओके अब यहां पे क्या करना है, ये सब वैल्यू का कैलकुलेशन कर लो, ये सारी की सारी वैल्यू का कैलकुलेशन कर लो और क्या हो जाएगा, ये ई आई इसके डिवाइडेशन में जाएगा, ई आई हमारा कांस्टेंट है तो ई आई के टर्म में हमको क्या करना है वैल्यू निकालना है। तो थीटा डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा सारा का सारा आंसर कितना आ गया, ये पूरा आंसर मिल गया हम लोग को 279.17 है ना, 279.17 अपॉन ई आर। क्या किसमें आएगा, ये जनरली रेडियन में आता है थीटा, रेडियन में आता है थीटा का आंसर रेडियन में आता है। लेकिन कभी भी जब भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है किसी भी वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू मिली कि नहीं मिली, ये ई आई के फॉर्म में मिला तो ई आई के फॉर्म में मिला तो इसको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती है, जनरली यूनिट नहीं लिखना चाहिए ना। लेकिन अगर आपको लिखना ही है तो आप रेडियन लिख सकते हो। ओके तो यहाँ पे थीटा डी की वैल्यू मिल गया हमको 279.17 अपॉन ई आई है ना। तो अब ये हो गया, ये मिल गया हमको थीटा डी मतलब स्लोप एट पॉइंट डी। अब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे सेम है ना, यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग टू फाइंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी दैट इज वाई डी इज इक्वल टू व्हाट, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे 6 मीटर है ना। लेकिन अब कौन से वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, अभी डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में, नीचे वाले स्लोप वाले में नहीं पुट करें है ना। तो हम लोग क्या करेंगे वापस ये वाली इक्वेशन लिख देते, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो अब ये वाली इक्वेशन लिख देते हम लोग e इंटू आई, यहां पे क्या लिख देंगे y d है ना, क्योंकि y d निकालना है हम लोग को, y d इज इक्वल्स टू है ना क्या आ जाएगा 6.25 अपॉन 6 माइनस में है 6.25 अपॉन 6 इंटू एक्स क्यूब, पूरी इक्वेशन लिख देते हैं पहले, प्लस c1x। अभी c1 की वैल्यू क्या है माइनस
508.33 बराबर है ना, माइनस 508.33 इनटू एक्स, उसके बाद प्लस सी टू है, सी टू की वैल्यू जीरो है, लिखो क्या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना। तो प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस देखो प्लस 150/2 एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा 150/2 एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, है ना, ये थोड़ा सा रफ कर देता हूं, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, है ना। यहां तक का इक्वेशन आएगा, लास्ट वाला टर्म आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, वापस वही प्रॉब्लम है, 50/6 एक्स माइनस 6 होल क्यूब है, एक्स की वैल्यू 6 पुट करूंगा तो 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, तो पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और वैसे भी टेक्निकली देखेंगे तो डी पॉइंट तक का इक्वेशन लेना, और डी पॉइंट पे जो पॉइंट लोड है वो इक्वेशन में आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। तो इसके लिए सिर्फ यहां तक का इक्वेशन लेना, अभी पुट करो वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 6 इधर पुट करो, क्या आ जाता है देखो आंसर, ई आई इंटू वाई डी इज इक्वल टू माइनस 6.25/6 इंटू 6 क्यूब माइनस देखो 508.33 इंटू 6 प्लस 150/2 6 माइनस 4 होल स्क्वायर, है ना। अब यहां पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट कर लो, ये भी कैलकुलेट कर लो, पूरा का पूरा कैलकुलेशन निकाल लो, है ना, उसको डिवाइडेड बाय ईआई चला जाएगा, तो अपने को वाई डी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। और डिफ्लेक्शन का भी कैसा आएगा, माइनस में आएगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जनरली माइनस में आता है ना। तो यहां पे देखो कितना आ गया आंसर, अपना आंसर आ गया माइनस 574.98, है ना, माइनस 574.98, है ना, अपॉन ईआई, ईआई के फॉर्म में हमारा डिफ्लेक्शन मिल गया, है ना। समझ में आ गया प्रॉब्लम, है ना। अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट में पूछो, ओके। तो इन दिस वे हम लोगों ने आज फिक्स एंड मोमेंट का प्रॉब्लम लिया, है ना। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग कुछ और अलग टाइप का प्रॉब्लम लेंगे, मैकेनिज्म मेथड का 7 नंबर का प्रॉब्लम है, हम लोग क्या लेने वाले हैं कि अगर कोई बीम में अगर यूडीएल अगर पूरा नहीं होता है, मतलब यूडीएल बीच में ही रहता है, सपोज ऐसा बीम है हमारा, ये हमारा बीम है, सपोर्ट्स है यहां पर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इधर किधर पॉइंट लोड है, और जो यूडीएल है ये बीच में ही खत्म हो गया, ना यहां तक एंड हुआ ना इधर तक एंड हुआ, है ना। यहाँ पे कोई 10 किलोन्यूटन का यूडीएल है और ये वाला हमारा 15 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल है ना, ये 2 मीटर है सपोज, ये 1 मीटर है और ये 1.5 मीटर है ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जहां पे यूडीएल जो है ना ये एंड तक है ना उस एंड तक है, बीच में ही खत्म हो गया, तो तब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, है ना। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 7 में, ओके। थैंक यू।